सावधान, आज धरती की तरफ एक आफत आ रही है जिससे विनाश होने की आशंका है। अगर उस जलजले और धरती की टक्कर हुई तो धरती हिलेगी और भूकंप, तूफान, कोई प्राकृतिक आपदा या अन्य घटनाएं हो सकती हैं। जी हाँ, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के अलर्ट के मुताबिक आज 15 सितंबर 2024 की रात को धरती से ON-2024 नाम एस्ट्रॉइड टकरा सकता है जिसकी स्पीड करीब 25,000 मील प्रति घंटा है। करीब 720 फुट विशाल एस्ट्रॉइड धरती से 6,20,000 मील की दूरी से गुजरेगा। हालांकि अंतरिक्ष की दुनिया में ये दूरी बहुत ज्यादा है तो नासा ने टक्कर नहीं होने की संभावना भी जताई है, लेकिन अगर किसी कारण से इसकी दिशा बदली तो टकराव हो सकता है। ये एस्ट्रॉइड साइज में 2 क्रिकेट पिचों जितना विशाल है। नासा के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के वैज्ञानिक एस्ट्रॉइड पर इसके विशाल आकार और तेज स्पीड के कारण बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इसके लिए कैलिफोर्निया के पासाडेना में जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के रडार और ऑप्टिकल दूरबीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इसकी तेज स्पीड और साइड के कारण इसके धरती से टकराने की संभावना कम है, फिर भी वैज्ञानिक इसकी स्पीड और साइड को लगातार ट्रैक कर रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर अलार्म बजाया जा सके। वहीं अगर ये धरती के पास से गुजरता भी है तो इसके तरंगों से धरती प्रभावित होगी जिससे कंपन की स्थिति बन सकती है। हालांकि नासा ने इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना काफी कम बताई है, फिर भी इसने वैज्ञानिकों की दिलचस्पी बढ़ाई है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और दुनिया भर के अलग अलग यूनिवर्सिटी एस्ट्रॉइड की स्टडी में नासा का साथ दे रहे हैं। इससे इन खगोलीय पिंडों को बनाने वाली सामानों को बेहतर ढंग से समझने और सौर मंडल के रहस्य को समझने में काफी मदद मिलने की संभावना बनी रहती है। नासा लगातार 2024 ऑन पर अपडेट जारी कर रहा है। नासा अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों के जरिए अपडेट और जानकारी दे रहा है। इसके मुताबिक इस एस्ट्रॉइड को धरती के उत्तरी गोलार्ध से गुजरते हुए देखा जा सकता है। आकाश को देखने वाले वर्चुअल टेलीस्कोप के अलावा आप नासा के लाइव फीड से इसे देख सकते हैं।